हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए और उससे वो पैसे कमाने लग जाए, लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा पाते हैं, जिनसे उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है, जिससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यूट्यूबर्स को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है ना। और इसी में कुछ ऐसे हैकर्स लोग फंस जाते हैं, कुछ स्कैमर्स लोग फंस जाते हैं, जिनसे उनका चैनल उनके हाथ से निकल जाता है और वो सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर है और आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज करने की सोच रहे हैं या फिर मोनेटाइज करने के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं यकीन करता हूँ कि सिर्फ एक बार में ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाओगे, ठीक है ना। कोई प्रोग्रेस नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कैसे? सिर्फ तीन स्टेप को फॉलो करके, ठीक है दोस्तों। सिर्फ तीन स्टेप को फॉलो करके, जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उस तीन स्टेप को फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने चैनल को अप्लाई करते हैं, मोनेटाइज करने के लिए भेजते हैं यूट्यूब को, तो 100% सिर्फ एक ही बार में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहीं आप भूल ना जाओ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको भाई जैसा फीलिंग मिलेगा, न कि यूट्यूबर जैसा। अब देखो दोस्तों, अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिए हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कम्प्लीट कर लिया है और आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जा रहे हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या चीज? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भेज रहे हो, उससे पहले कोई जल्दबाजी मत करना। आपका चैनल तो 100% एक ना एक दिन मोनेटाइज तो होगा ही, लेकिन अगर आप जल्दबाजी कर देते हो तो वही फिर रोना और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो मोनेटाइज करने से पहले अपनी सारी वीडियो को एक बार देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल को मोनेटाइज करने से पहले अपनी सारी वीडियो को देखना है। क्या देखना है? ये देखना है कि मैंने किस वीडियो में गलती कर रखा है, कहीं मैंने मिसलीडिंग तो नहीं कर रखा है, कहीं मैंने गलत कीवर्ड तो नहीं डाल रखा है, कहीं मैंने ज्यादा कीवर्ड तो नहीं भर रखा है। अगर कोई वीडियो ऐसा मिलता है आपको जिसमें आपने ज्यादा कीवर्ड को भर रखा होगा, मिसलीडिंग कर रखा होगा, ठीक है ना, जो यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है, तो आपको क्या करना है, वहां पर उन सारे कीवर्ड को डिलीट कर देना है। देखो, मानता हूं कि आपका कुछ घंटा जाएगा यहां पर, लेकिन यकीन मानो आपको फायदा भी बहुत होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, पहले नंबर पर अपने सारे वीडियो को देखना है और जितने भी आपने गलत कीवर्ड डाला होगा, मिसलीडिंग किया होगा, उसको आपको डिलीट कर देना है, बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, पोछा लगा देना है। एक डन हो गया। अब दूसरा नंबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है, ठीक है ना। एक न्यू ईमेल आईडी आपको तैयार करना है, किसके लिए? एडसेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। मतलब जिस भी ईमेल आईडी पर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है उसको छोड़ दो, उसको टच मत करना। आपको एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है। आपको एक न्यू ईमेल आईडी बनाने के बाद उस ईमेल आईडी पर आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। मतलब ईमेल आईडी न्यू होना चाहिए और अलग होना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। मतलब पहला नंबर में हमने क्या किया, अपने मतलब वीडियो से मिसलीडिंग मेटाडेटा और कीवर्ड को डिलीट कर दिया। दूसरे नंबर में हमने क्या किया, अपना एक न्यू ईमेल आईडी बनाया। और तीसरे नंबर में हमने क्या किया, उसी ईमेल आईडी पर एडसेंस को क्रिएट किया, ठीक है ना। अपने चैनल को मोनेटाइज करने से पहले कम से कम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अगर आप एडसेंस अकाउंट बना लेते हो तो आसानी से आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपको बाद में इन प्रोग्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एडसेंस अकाउंट को पहले क्रिएट करने से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होगी एडसेंस वाली बात कि हमने चलो एक न्यू ईमेल आईडी बना लिया, उसमें हमने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, सेम टू सेम आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है ना। आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप इन तीन स्टेप को फॉलो करके अपने चैनल को मोनेटाइज करते हो, ठीक है ना, तो आप ही इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करोगे कि थैंक यू भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और सारा कुछ मैं आपको वहीं दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और ध्यान से, बिल्कुल दिल से और लगन से देखते रहो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बार में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अपने YT स्टूडियो में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको भी इस तरीके से अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन विजिबल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सब कुछ कम्प्लीट है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का प्यार का ही नतीजा है,
जो हम अपना चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं आपके सामने, और आपको भी दिखाएंगे और आपको भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन मत लो, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैनल को मोनेटाइज करने में जो भी क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, और यहाँ पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन आपके चैनल पर एक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला, रिव्यू बेस्ड टर्म्स, इसका मतलब ये होता है कि मतलब इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसको आपको रिव्यू करना है, ओके कर देना, उसके बाद टेंशन खत्म। ठीक है ना, ये यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप है साइन अप फॉर एडसेंस अकाउंट। ठीक है ना, उसके बाद हम करेंगे सारा कुछ आपके सामने, इसलिए आप वीडियो में बने रहो एंड तक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है दोस्तों गेट रिव्यू का, मतलब आप पहला कंप्लीट कर लोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है ना, और जब एडसेंस अकाउंट आपका बन जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाएगा, 24 से 48 घंटे में आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट पर। और दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने YT स्टूडियो से। ठीक है ना, डायरेक्ट क्रोम में जा करके जब आप क्रोम में जाओगे तो वहां पर जो है आप डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना। ठीक है ना, इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं तो यहाँ पर कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो आप कैसे करोगे, आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो, तो इस बात की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है ना, लेकिन वीडियो को ऐसी तरीके से देख करके आप मोबाइल में कर सकते हो, मैं कंप्यूटर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है ना, मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स। ठीक है ना, यहाँ पर हम ओके करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनेबल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अभी कुछ लोडिंग ले रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है ना, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टेप टू की। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर हम साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, मतलब एक अकाउंट बनाएंगे गूगल एडसेंस का जिसमें हमारा पैसा आएगा। ठीक है ना, फिर वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, फिर उसके बाद हमारे जेब में आएगा और फिर खूब मजे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो स्टार्ट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिनके पास एडसेंस का अकाउंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है ना, और उसके बाद है नो, मतलब मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो अकाउंट नहीं है, चाहे है भी लेकिन हम दूसरा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नो पे क्लिक कर देंगे और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू पे हम जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी होगा वो सब के सब यहाँ पर दिख जाएगा। तो जिस भी ईमेल आईडी से आप एडसेंस को बनाना चाहते हो तो उसको क्या करो, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना, उसके बाद उसी जीमेल में आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके जिस भी मेल में यूट्यूब चैनल है ना, उससे आप एडसेंस अकाउंट को मत बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप खास ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ यस सेंड, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट योर कंट्री, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमारा कंट्री तो आई लव माय इंडिया है। ठीक है दोस्तों, इंडिया सबसे अच्छा है, मैं मानता हूँ क्या है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर घर है इसीलिए हमारी कंट्री सबसे बेस्ट नंबर 1 पर है। ठीक है ना, तो हम ढूंढ लेते हैं इंडिया कहाँ पर है, तो हम अपनी कंट्री को ढूंढ लेते हैं, हमारा प्यारा घर कहाँ गया, ये रहा, ये दोस्तों इंडिया। ठीक है ना, अपना कंट्री इंडिया है, सबसे बेस्ट पूरी दुनिया में। अब उसके बाद नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद एक टर्म्स को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे करते हैं और भी आप इस तरीके से पढ़ लेना। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे और क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो हमने क्या किया, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया है। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडसेंस का एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर और भी आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक इंडिविजुअल का, एक बिजनेस का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, आपको बिजनेस में सेलेक्ट नहीं करना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है अपना लीगल नेम। लीगल कौन सा नेम? जो आपकी आईडी पर है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है, वही ओरिजिनल नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, इसमें आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर टाउन सिटी डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेट डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इन सारे बॉक्स को भर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लिया है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप नहीं भी होता है तो यहां पर आप रिडायरेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको भी छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, डायरेक्ट हमारे स्टूडियो YT स्टूडियो में लेके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना हमारे YT स्टूडियो में लेकर के आ जाएगा। तो जैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन अप फॉर एडसेंस यहाँ पर इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, ये 1 से 2 घंटे 3 घंटे में ये जो क्या होगा, हमारा एडसेंस अकाउंट बन जाएगा। जब हमारा एडसेंस अकाउंट बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली गेट रिव्यू में आ जाएगा, हमारा चैनल रिव्यू में चला जाएगा। अब YouTube इसमें जो भी करे, चेक करे, जो भी करे कि भाई हम कोई पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हमारा चैनल जो है ना 100% मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनका भी भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे प्यार बने रहिए। थैंक यू सो मच।